नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य राकेश पाठक आपको एक विशेष बात बताता हूँ कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और वो 12 भाव हमारे 12 अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला भाव हमारे मस्तक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भाव चेहरे को, तीसरा भाव छाती को, चौथा भाव हृदय को, पांचवा भाव पेट को रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव कमर को रिप्रेजेंट करता है, सातवां भाव बस्ती को। बस्ती का मतलब हुआ कि नाभि से लेके और हमारे जो प्राइवेट पार्ट है उसके बीच का हिस्सा, उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आठवां पार्ट प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। नौवां पार्ट हमारी जांघों को रिप्रेजेंट करता है। दसवां पार्ट हमारे घुटनों को रिप्रेजेंट करता है। ग्यारहवां भाव हमारी पिंडलियों को और बारहवां भाव हमारे पैरों को रिप्रेजेंट करता है। इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर इन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो ये अंग मजबूत होते हैं, और इसके विपरीत इन भावों में अगर अशुभ ग्रह बैठे हों, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये अंग निर्बल हो जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।